वहीं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पेरोल को लेकर लगातार विरोध जारी है। सिरसा में सोमवार को कई गांव के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप गुरमीत राम रहीम को पेरोल ना देने की मांग की है। इस मामले में डीसी का कहना है कि उन्हें ज्ञापन मिला है, अभी फिलहाल पेरोल पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की पैरोल को लेकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक संगठन और लोग पैरोल मिलने से पहले पैरोल का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को कई गांव के लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर राम रहीम की पैरोल न देने की अपील की। ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग की है कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल न दी जाए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर सरकार गुरमीत राम रहीम की पैरोल देती है तो शहर की अमन शांति खराब होगी। मैं और काफ़ी लोग इस एरिए के सिरसा जिले के भिन्न भिन्न गांव से शहर से लोग आए हैं और डी साहब को एक ज्ञापन दे के आए हैं। भाई ये जो बाबा राम रहीम है इसको सरकार इसने पेरोल की एप्लीकेशन लगाई है, इसको पेरोल ना दी जाए। इसको पेरोल देने से इस शांति प्रिय शहर की अमन और शांति को गंभीर खतरा है। जैसे कि 2017 में हम सभी लोगों ने हालात देखे हैं, कितनी जाने गई हैं, कितनी अमन शांति को कितना डिस्टर्ब हुआ सिस्टम शहर का और कर्फ्यू तक 5-7 दिन लगाना पड़ा सिरसा में। तो हम सभी लोग डीसी साहब से यही गुजारिश करके आए हैं, भाई इसको किसी भी हालात में पैरोल ना दी जाए। वहीं इस मामले में सिरसा के डीसी अशोक गर्ग का कहना है कि सिरसा के कुछ लोगों ने उन्हें ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल न देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पैरोल पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सब तरह के पहलुओं पर विचार हो रहा है, विचार के बाद जो भी राय बनती है उस हिसाब से रिपोर्ट भेज दी जाएगी। आज जो बाबा राम रहीम की पैरोल का जो मामला चल रहा है उसको लेकर सिरसा शहर के कुछ लोग मुझे मिले हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि उनका यह कहना है कि उनको पैरोल ना दी जाए क्योंकि इससे शहर की शांति को खतरा हो सकता है। तो ज्ञापन उनका ले लिया गया और पैरोल पर अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है। बहरहाल गुरमीत राम रहीम के पैरोल मिलने से पहले पैरोल का विरोध होना कहीं ना कहीं सरकार पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि राम रहीम को बेल न दी जाए। सत्ताम सिंह, टोटल न्यूज़, सिरसा।